टोबी को ग्रेट पैरागॉन कहा जाता है। वो 16 साल की उम्र में जर्मन के हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ क्योंकि उसके बारे में ये कहा जाता था कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। 16 साल की उम्र तक उसका कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस वर्क के हवाले से या ऐसा स्टडी के हवाले से नहीं था। उसने 16 साल की उम्र में अप्रेंटिसशिप अपनी स्टार्ट की एक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ। वहाँ उस दौरान उसकी मुलाकात जर्गन के साथ हुई, जर्गन जो कि वहाँ काम करता था और उसने अपना वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था। उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट में एक छोटा सा कमरा जो कि उसने अपनी बेसमेंट में सेट किया हुआ था जिसमें वो काम करता था। टोबी की जब मुलाकात जर्गन के साथ हुई तो जर्गन ने जाना कि टोबी के अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो कि एक प्रोग्रामर के अंदर होती हैं। इसीलिए जर्गन ने टोबी को कभी भी उसके कंफर्ट जोन में नहीं रहने दिया, उसको हमेशा कोई ना कोई असाइनमेंट्स में लगाए रखता। टोबी कहता है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता कि जब मैं ऑफिस आता तो मेरे टेबल पे एक कोडिंग का प्रिंट आउट पड़ा होता, उस प्रिंट आउट के ऊपर लाल स्याही के साथ सजेशंस, कमेंट्स और करेक्शन लिखी होती और ये वो कोड होता जो मैंने एक दिन पहले लिखा होता है। तो ये जर्गन की तरफ से करेक्शन और सजेशन आई होती थी। टोबी ने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया। एक दिन जर्गन ने अचानक टोबी को कहा कि भाई जनरल मोटर्स की तरफ से सॉफ्टवेयर की एक असाइनमेंट करनी है जिसको तुम लीड करोगे। इस पे टोबी की कंपनी ने उसको जायद पैसे दिए जिससे वो सूट खरीद सके ताकि प्रेजेंटेशन और इंस्टॉलेशन के दौरान जब वो जाए तो अपने आप को ठीक तरीके से प्रेजेंट कर सके। अब टोबी को ये पता था कि सारा ये काम तो जर्गन करेगा जो कि प्रेजेंटेशन है या इंस्टॉलेशन है, लेकिन इंस्टॉलेशन से एक दिन पहले जर्गन ने टोबी को कहा कि भाई मुझे किसी काम से जाना है, तुम ऐसा करना, जाके इंस्टॉलेशन कर देना। अब टोबी को उसको ना तो कर नहीं सकता था, टोबी के जहन में मुख्तलिफ सवालात आना शुरू हो गए, लेकिन खैर क्या करता, अगले दिन जब वो गया तो बिल्कुल शशुपंज में उसने प्रेजेंटेशन दी और इंस्टॉलेशन की जो के हो गई। इसी तरह जर्गन ने टोबी को ऐसी इंस्टॉलेशंस या प्रेजेंटेशंस के ऊपर भेजना शुरू कर दिया। अब टोबी उसको ना तो नहीं करता था, लेकिन टोबी का ये कहना है कि जर्गन जब मुझे भेजता तो मैं ट्रायल या एरर से अपने आप को इम्प्रूव करता और इंस्टॉलमेंट्स या इंस्टॉलेशंस वगैरह करनी मैंने शुरू कर दी। अब टोबी काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सीख चुका था, लेकिन जर्गन कभी भी उसको उसके कंफर्ट जोन में न रहने देता और उसको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रखता। टोबी ने ऐसे सीखते सीखते एक कंपनी की बुनियाद रखी जो कि ई कॉमर्स के हवाले से बहुत बड़ी कंपनी है और अब वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के हवाले से जानी जाती है, और इसकी बुनियाद उसने 2004 में रखी। खैर, कहने का मतलब ये है कि जिन मुल्कों से हम आते हैं या जिस कल्चरल इन्वायरमेंट से हम आते हैं, हमारे जहन से दो चीज़ें चल रही होती हैं, एक हमारा खर्चा और दूसरा हमारी कमाई। तो जब हम अपने मुल्क से ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर आते हैं तो इससे सबसे पहला हमारे जहन में ये होता है कि हमने जाके वहाँ काम क्या करना है, और हमारी सबसे बड़ी पहली कामयाबी यही होती है कि हमें वीज़ा मिल गया। वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे गाइडेंस का बहुत ज़्यादा भुगतान है, रियलिटी की या क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई जाती कि उस मुल्क में जाके होगा क्या। जब हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में आते हैं, आके हम काम करते हैं, तो काम करते करते हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है क्योंकि इससे पहले आम तौर पे हमने काम नहीं किया होता। उस सेंस ऑफ अचीवमेंट में हम उसी काम में लगे रहते हैं, तो हमारे मुख्तलिफ तरह के खर्चे होते हैं, पढ़ाई का खर्चा होता है, हमारा रहने का खर्चा होता है, और बहुत सारे लोगों का घर पैसे बेचने का भी खर्चा होता है। अब इन खर्चों को पूरा करते हुए हम अपने काम और सेंस ऑफ अचीवमेंट में खो जाते हैं और अपने करियर को जो कि एक्चुअल में हम आए हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इन मुल्कों में आते हैं, कोई इनोवेटिव काम करते हैं या कुछ नया काम करते हैं जो कुछ सोसाइटी के लिए सहूलत पैदा करे, तो इन मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलती है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप काम ज़रूर करें, पढ़ाई करें और किसी ऐसे उस्ताद के साथ जुड़ जाएं या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सके कि आपने अपनी पढ़ाई या आम काम के अलावा करना क्या है जिससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी और आपका अपना काम इम्प्रूव हो। तो टोबी ने जिस कंपनी की बुनियाद रखी वो अभी मल्टी बिलियन डॉलर्स है और उसकी वर्थ जो है वो तकरीबन 10 बिलियन US डॉलर है। तो उस कंपनी का नाम है Shopify।
शॉपिफाई के बारे में मुझे आपको ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको गूगल कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। टोबी ने जितनी ये सारी मेहनत की वो उसने अपने उस्ताद, उसकी गाइडेंस और अपनी ग्रिट की वजह से, जो कि वो चाहता था अपने आप को इम्प्रूव करे, उसकी वजह से की। अब वो था तो जर्मन में, लेकिन उसने कंपनी की बुनियाद जो है वो कैनेडा के अंदर रखी। तो आप भी ये कोशिश करें कि अपने आप को एक्सप्लोर करें और अपना कोई उस्ताद या जिससे आप गाइडलाइन ले सकें उसको ढूंढें, प्लेटफॉर्म के उसके साथ जुड़ जाएं, किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं, ताकि कामयाबी के लिए आपके सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएं। और जब आप मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी आपके लिए ज़रूरी बन जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को टोबी की कहानी बताएं, और हो सकता है आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इस तरह की और वीडियोस भी पहुंचा सकें। थैंक यू।